साल 1957 का समय, मोसाद चीफ इजर हरेल एक के बाद एक मिशन अकम्प्लिश कर मोसाद को रूथलेस बना रहे थे। उसी वक्त उन्हें एक अजीब सा मैसेज आता है डॉक्टर फ्रिट्ज बोर का, जो हेसे के अटॉर्नी जनरल थे। मोसाद चीफ इजर डॉक्टर फ्रिट्ज बोर को बहुत अच्छे से जानते थे। वे जानते थे कि डॉक्टर फ्रिट्ज जर्मनी के वन ऑफ द रिस्पेक्टेड फिगर्स में से एक है, जो नाजी क्रिमिनल के खिलाफ एक जाना माना चेहरा है। डॉक्टर फ्रिट्ज को अडॉल्फ हिटलर के रिजिम में बाकी सभी जूश की तरह काफी तकलीफों का सामना करना पड़ा था। कई नाजी ऑफिसर के जुल्म डॉक्टर फ्रिट्ज और अन्य जूश ने सहन किए। जैसे तैसे करके वे डेनमार्क और डेनमार्क से स्वीडन भागे। उस वक्त उन्होंने फैसला कर लिया था कि वे नाजी क्रिमिनल्स को सजा दिलवाने में अपना जीवन समर्पित करेंगे। डॉक्टर फ्रिट्ज के स्ट्रगल और अचीवमेंट के बारे में मोसाद चीफ इजर सोच ही रहे थे कि एकाएक उन्हें डॉक्टर फ्रिट्ज द्वारा दिए मैसेज के बारे में याद आया। जब उस मैसेज को इजर हरेल ने पढ़ा तो उसमें पाया कि कुछ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन डॉक्टर फ्रिट्ज मोसाद को पास ऑन करना चाहते हैं। यह कॉन्फिडेंशियल मैसेज क्या था, यह जानने के लिए इजर हरेल ने शॉल डेरोम नाम के एक ऑफिसर को डॉक्टर फ्रिट्ज से मिलने के लिए भेजा। ऑफिसर शॉल डेरोम की अच्छी खासी मीटिंग, वो लंबी मीटिंग हुई डॉक्टर फ्रिट्ज से। डॉक्टर फ्रिट्ज से मीटिंग खत्म करने के बाद ऑफिसर शॉल डेरोम को इजर हरेल को तत्कालिक रिपोर्ट करना था, और वो हुआ भी। ऑफिसर शॉल ने तुरंत इजर हरेल से कहा कि आइंकमैन जिंदा है और वो अर्जेंटीना में छिपा है। आइंकमैन का नाम सुनते ही इजर हरेल एकाएक गंभीर हो चले। उन्हें इस नाम के आतंक का तुरंत स्मरण आने लगा। इस नाम को शायद ही कोई भूल सकता हो, शायद ही कोई जीव होगा जिसे अडॉल्फ आइंकमैन का खौफ याद ना हो। एकाएक इजर हरेल चिंता के सागर में डूबे और याद करने लगे कि कैसे आइंकमैन ने लाखों यहूदियों को प्रताड़ित व मौत के घाट उतारा। अपने विकृति से कैसे उसने लाखों यहूदियों की जिंदगी को बर्बाद किया। ऐसे आदमी को जिसने अपने शौक के लिए मासूमों की जान ली हो, उसे इजराइल राष्ट्र कैसे माफ कर सकती है। ऐसा आदमी एक पल के लिए भी चैन की सांस लेने का हकदार नहीं। बस इसी सोच के साथ मोसाद चीफ इजर हरेल तैयार थे मोसाद को एक खतरनाक मिशन सौंपने के लिए। और मिशन था नाजी के नोटोरियस क्रिमिनल अडॉल्फ आइंकमैन को जिंदा या मुर्दा इजराइल वापस लाने का। जितना यह मिशन चैलेंजिंग दिख रहा था, उससे कई गुना ज्यादा खतरनाक व फिल्मी काइंड यह मिशन होने वाला था। आखिर मोसाद वन ऑफ द बिगेस्ट नाजी क्रिमिनल को कैसे पकड़ने वाली थी, जानने के लिए बने रहिए आज के इस एपिसोड में। अडॉल्फ आइंकमैन वॉर के बाद एकाएक गायब हो चला। अलग अलग सूत्र अलग अलग देशों में आइंकमैन के होने का दावा कर रहे थे, जैसे सीरिया, इजिप्ट, कुवैत, साउथ अमेरिका वगैरह। परंतु अब डॉक्टर फ्रिट्ज के मुताबिक वो अर्जेंटीना में छिपा है। ऑफिसर शॉल डेरोम ने डॉक्टर फ्रिट्ज के साथ हुई मीटिंग के बारे में आगे बताया कि दरअसल डॉक्टर फ्रिट्ज ने कुछ दिनों पहले अर्जेंटीना से एक लेटर रिसीव किया था। उस लेटर को एक यहूदी ने लिखा था, जिसमें उसने बताया कि उसकी बेटी निक आइंकमैन को डेट कर रही है, और हो ना हो या निक आइंकमैन कहीं ना कहीं अडॉल्फ आइंकमैन का रिश्तेदार हो सकता है। आगे उस जू ने लिखा कि अगर उसका दावा सही है तो अडॉल्फ आइंकमैन ब्यूनोस एरिस में छिपा है अंडर फॉल्स आइडेंटिटी। डॉक्टर फ्रिट्ज को इतना तो मालूम था कि अडॉल्फ आइंकमैन जर्मनी से भागा भगौड़ा है। उसकी पत्नी और तीन बच्चे ऑस्ट्रिया रहते थे, और कुछ सालों बाद अचानक वे भी गायब हो गए। बाद में पता चला कि उसकी पत्नी वेरा ने दूसरी शादी कर ली, परंतु डॉक्टर फ्रिट्ज का यह मानना था कि वेरा का दूसरा पति और कोई नहीं परंतु अडॉल्फ आइंकमैन ही था। यह दूसरी शादी एक कवर था जो अडॉल्फ आइंकमैन के फॉल्स आइडेंटिटी, या यूं कहे कि दूसरी जिंदगी को अच्छे से सपोर्ट किए हुए था। आइंकमैन ब्यूनोस एरिस में छिपा है, यह बात वो जर्मन अथॉरिटीज को नहीं बता सकते थे, क्योंकि चांसेस है कि जर्मन एम्बेसी आइंकमैन को इत्तला कर दे और आइंकमैन फिर गायब हो सकता है, और शायद वो फिर कभी ना मिले। ऐसा ना हो इसलिए डॉक्टर फ्रिट्ज ने मोसाद चीफ इजर हरेल को रिक्वेस्ट किया कि मोसाद अपने सबसे बड़े दुश्मन को जल्द से जल्द पकड़े। इजर हरेल दूसरी तरफ इस मिशन को गुड टू गो कर चुके थे। उन्होंने तत्कालिक इमैनुअल तेलमोर नाम के एक मोसाद एजेंट को ब्यूनस एरिस भेजा डॉक्टर फ्रिट्ज के दिए हुए पते पर, जस्ट टू चेक कि क्या वाकई अडॉल्फ आइंकमैन वहां है या नहीं। एजेंट इमैनुअल तुरंत ब्यूनस एरिस के चेल चाकाबुको पहुंचा।
वहां पहुंचते ही उसने जो देखा वह देखकर उसके मन में एक टीसी हुई और उसने सोचा कि उसका यहां आना कुछ नहीं बल्कि टाइम वेस्ट था। दरअसल उन्होंने देखा कि चेलचा का बुकों में और कुछ नहीं, सिर्फ टूटे फूटे या बेकार के मकान थे। उनके मन में यह बात आई कि अन्य नाजी ऑफिसर्स की तरह अडोल्फ आइंकमैन भी ढेर सारे पैसे लेकर लग्जूरियस लाइफ कहीं जी रहे होंगे, भला इस पुअर नेबरहुड में कोई क्यों रहेगा। यह सोचते वहां से इमैनुअल चला गया और जो भी कुछ उसने देखा उसकी सारी रिपोर्टिंग मोसा चीफ को दी। मोसा चीफ ने उसकी रिपोर्टिंग पढ़ी, परंतु उन्हें इस बात पर शक था कि जैसा दिख रहा है वैसा ना हो, और वे अभी भी असंतुष्ट थे। उन्हें अभी भी और इन्वेस्टिगेशन करना था। सबसे पहले डॉक्टर फ्रिज से इजर हरेल ने उनके सोर्स मांगे। इन शॉर्ट, इजर हरेल उस बाप बेटी के जोड़ी से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करना चाहते थे, जस्ट टू गेट मोर क्लियरेंस। डॉक्टर फ्रिज ने उन्हें अपने सोर्स के एड्रेस दिए। इस सोर्स का नाम था लोथर हरमेन, जो ब्यूनस एरिस से 300 मील दूर कॉर्नल सोर्स में रहता था। फरवरी 1958 कॉर्नल सोर्स टाउन में एक अननोन विजिटर आया। इस अननोन विजिटर का नाम एफ्रेम हॉफस्टर था, और एफ्रेम दरअसल तेल अवीव पुलिस का हेड ऑफ इन्वेस्टिगेशन था, जो अर्जेंटीना में उस वक्त हो रहे इंटरपोल कॉन्फ्रेंस में शामिल था। इजर हरेल ने लोथर हरमेन से बात करने के लिए एफ्रेम हॉफस्टर को चुना। इफ्रेम लोथर हरमेन के घर पहुंचा। लोथर ने सबसे पहले उसकी बेटी सिल्विया से इफ्रेम को इंट्रोड्यूस करवाया। सिल्विया बेहद खूबसूरत और अट्रैक्टिव लड़की थी। आगे लोथर ने इफ्रेम को सब कुछ बताना शुरू कर दिया। उसके अनुसार सिल्विया और निक आइंकमैन रिलेशनशिप में थे। सिल्विया हरमेन ज्यू थी, परंतु वहां हरमेन को सब आर्यन ओरिजिन से जानते। सिल्विया और निक आइंकमैन सीरियस रिलेशनशिप में थे, परंतु कुछ बातें समय के साथ ज्यादा ऑड होती जा रही थी। जैसे निक खुले आम ज्यूस से नफरत होने के बात को कबूलता। वह मानता कि ज्यूस का इस दुनिया से अस्तित्व मिटा देना चाहिए। निक साथ ही साथ बड़बोला किस्म का व्यक्ति था। बातों बातों में उसने यह तक कह डाला कि उसके पिताजी एक जाने माने नाजी ऑफिसर थे। एक बात और बहुत ही ऑड सिल्विया को लगी, और वह यह कि दोनों रोमांटिक लेटर शेयर किया करते थे, परंतु सिल्विया को निक ने कभी अपना एड्रेस न दिया। सारे लेटर्स उसके फ्रेंड के घर पहुंचते, वह सारे लेटर्स का जवाब भी निक अपने फ्रेंड के एड्रेस से ही देता। निक कभी भी सिल्विया को अपने घर न ले गया। यह सारी बात सिल्विया ने अपने पिता लोथर हरमेन से शेयर की। लोथर हरमेन बात के तय तक जाना चाहते थे। जैसे तैसे करके सिल्विया और हरमेन ने निक के एड्रेस का पता लगाना शुरू किया। दोस्तों से वाया वाया पूछते निक का एड्रेस मिल गया। लोथर हरमेन ने इफ्रेम को पक्का दावा किया कि हो ना हो निक अडोल्फ आइंकमैन का ही बेटा है, और तो और हरमेन उसके साथ उस एड्रेस पर वापस जाकर इन्वेस्टिगेशन करने तक को तैयार है। इफ्रेम ने हरमेन के साथ प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू की, और कुछ दिनों बाद रिपोर्ट लेकर मोसा चीफ इजरा हरेल के ऑफिस पहुंच गए। उस रिपोर्ट के अनुसार इफ्रेम ने बताया कि चेलचा का बुको में जो घर था वह घर 10 साल पहले फ्रांसिस्को श्मिट ने बनाया था, और उसमें अब दो फैमिली रेंट पर रहती है। वे दो फैमिली थे डागुटो और क्लेमेंट। हो ना हो फ्रांसिस श्मिट ही एंकमैन है, और यह दो फैमिली डाकुटो और क्लेमेंट उनके कवर्स हैं। इस बात को कंफर्म करने के लिए इजर हरेल ने अर्जेंटीना में स्थित एक इन्फॉर्मेंट को इस बात को कंफर्म करने भेजा, और कुछ दिन बाद उस इन्फॉर्मर के रिपोर्ट ने कहानी में नया ट्विस्ट लाया। उस रिपोर्ट के अनुसार फ्रांसिस्को श्मिट आइंकमैन ना था, और फ्रांसिस्को नाम का कोई व्यक्ति कभी चेलचा का बुको रहा ही नहीं। इजर हरेल निराश हुए। उन्हें उस बाप बेटी के बात में आ जाना सबसे बड़ी गलती माना, और अब इजर हरेल एक सबसे बड़ी गलती करने जा रहे थे, और वह था इस केस को इमीडिएट इफेक्ट से बंद कर देने की गलती। इजर हरेल यह मानते थे कि अनस्किल्ड आदमी पर भरोसा करके गलती की। उन्हें अफसोस था इस बात का कि वे मोसाद का टाइम कैसे बर्बाद कर सकते थे। खैर, इस केस के एक साल बाद एकाएक उन्हें अटॉर्नी जनरल हेम कोहेन के द्वारा उनके सामने तुरंत हाजिर होने का समन मिला। इजर हरेल तुरंत अटॉर्नी जनरल हेम कोहेन के पास पहुंचे, और उन्होंने पाया कि डॉक्टर फ्रिड्स वहां पहले से मौजूद थे। और जैसे ही डॉक्टर फ्रिज ने इजर हरेल को देखा कि वे गुस्से से तिलमिला उठे।
डॉक्टर फ्रिट्ज ने तुरंत कहा कि अगर रिकार्डो क्लेमेंट उर्फ अडोल्फ आइंकमैन को मोसाद नहीं पकड़ पा रही तो उन्हें मजबूरन जर्मन अथॉरिटीज के पास जाना होगा। इजरहरेल एकाएक तैयार हुए इस केस पर वापस काम करने पर। वे डॉक्टर फ्रिट्ज के धमकी के कारण नहीं, परंतु उनके द्वारा दिए नाम रिकार्डो क्लेमेंट से तैयार हुए। दरअसल उन्हें इस बात का रियलाइजेशन हो चुका था कि जिस फ्रांसिस्को श्मिट को वो आइंकमैन समझ रहे थे, दरअसल वो आइंकमैन नहीं परंतु उनके टेनेंट डागुटो और क्लेमेंट फैमिली में से एक रिकार्डो क्लेमेंट ही आइंकमैन है। हरमन और सिल्विया से बस छोटी सी गलती हो गई आइंकमैन को पहचानने में, जबकि उनके द्वारा दी गई बाकी के इंफॉर्मेशन शत प्रतिशत सही थे। उन्हें वाकई अफसोस हुआ कि क्यों उन्होंने धीरे से काम ना लिया। खैर, अब अफसोस करने का फायदा नहीं था। उन्होंने वापस इस केस का चार्ट संभाला और नए सिरे से काम शुरू किया। इजर ने तुरंत जीवी आरोनी को इन्वेस्टिगेशन के लिए आगे किया। जीवी आरोनी बेहद हैंडसम, चार्मिंग और इंटेलिजेंट पर्सनालिटी होल्ड करते थे। फरवरी 1960 में जीवी ब्यूनोस एरेस पहुंचे। वहां पहुंचते ही वे रिकार्डो क्लेमेंट उर्फ अडोल्फ आइंकमैन के एड्रेस पहुंचे, परंतु वहां पहुंचे तो पता चला कि रिकार्डो क्लेमेंट कहीं और शिफ्ट हो गया है। रही बात उस घर की, तो वो रिनोवेट हो रहा था और काफी तिकड़म लगाने के बाद रिकार्डो क्लेमेंट का पता उसमें से एक वर्कर ने दिया। एड्रेस के अनुसार रिकार्डो क्लेमेंट अब चेल चाकाबुको से थोड़ी ही दूर टुकुमेन में था। बिना समय बर्बाद किए मोसाद उसके करंट लोकेशन पर पहुंची। जिस एड्रेस की बात उस पेंटर ने की, वहां बस एक लेडी ही दिखी। जीवी को आगे चलकर पता चला कि वो वेरा है। जीवी ने आइंकमैन को ढूंढने की कोशिश की, परंतु वो मिला नहीं। पूरे दिन वो उस घर के आसपास रहा। कुछ देर बाद उसने नोट किया कि एक एवरेज हाइट के आदमी को, जिसकी बॉडी एवरेज थी और नाक लंबी। जीवी ने तुरंत बड़ी मुशक्कत से उसकी तस्वीर खींची। जीवी ने तुरंत फोटो और रिपोर्ट इजर हरेल को भेजे बाय स्टेटिंग वी फाउंड आइंकमैन। इजर हरेल तुरंत प्राइम मिनिस्टर बेन ग्यूरन के घर पहुंचे और मिशन के बारे में बताया। बिना देरी किए प्राइम मिनिस्टर बेन ग्यूरन ने मिशन को ग्रीन सिग्नल दिया और कहा, ब्रिंग आइंकमैन डेड और अलाइव। परंतु कुछ देर बाद सोचते हुए कहा कि आइंकमैन को हो सके तो जिंदा लेकर आओ, उसका यहां इसराइल की धरती पर आके सबके सामने सजा मिलना हमारे यूथ के लिए जरूरी है। यह मैसेज हमारे यूथ को मिलेगा कि हम वो इसराइली है जो कभी भूलते नहीं। इजर हरेल ने तुरंत टीम का गठन करना शुरू किया। कुल 12 एजेंट्स को लेकर यह टीम बनी और इस टीम के कमांडर बने राफी इथेन, जिनके साथ जेवी मालकिन थे। यह टीम सोच समझकर इजर हरेल ने बनाई। यह टीम के सारे मेंबर्स होलोकॉस्ट सर्वाइवर्स थे। इन सभी को टीम में शामिल कर नाजी क्रिमिनल आइंकमैन को पकड़ना चाहते थे। इन शॉर्ट, इनके इमोशंस को इस्तेमाल कर इस मिशन को पर्सनल बनाकर सक्सेसफुल एग्जीक्यूट करना चाहते थे इजर हरेल। जीवी आरोनी, जिन्होंने आइंकमैन के घर का पता लगाया था, वे भी इस मिशन में जुड़े। इस मिशन में फिजिशियन डॉक्टर योना एलेन भी जुड़े, जो आगे चलकर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले थे। अप्रैल 1960 और चार मेंबर्स अर्जेंटीना पहुंचे अलग अलग डायरेक्शन से। उन चारों ने वॉकी टॉकी, इलेक्ट्रॉनिक टूल्स एंड इक्विपमेंट, फॉल्स पासपोर्ट, प्रोड्यूस एफिडेविट्स, डॉक्यूमेंट्स स्मगल किए। चारों मेंबर्स ने अलग अलग अपार्टमेंट रेंट किए ताकि बाकी आने वाले टीम मेंबर्स उसमें रह सके। चारों मेंबर्स ने आइंकमैन के रूटीन को फॉलो किया। कुछ दिन रूटीन फॉलो करने पर मेंबर्स ने यह पाया कि अडोल्फ आइंकमैन शाम 7:30 बजे अंधेरे में रोज अपने काम को पूरा कर अपने घर पहुंचते हैं। बस यह रूटीन इजर हरेल को बताया गया और धीरे धीरे बाकी के एजेंट्स अलग अलग दिशाओं और ट्रांसपोर्ट से ब्यूनोस एयर्स पहुंचने लगे। दूसरी तरफ इजर हरेल को लगने लगा कि उनका लक अति मजबूत है, और वो इसलिए कि आइंकमैन को मोसाद जब पकड़ने जा रही थी तो उस वक्त अर्जेंटीना अपना 150th इंडिपेंडेंस एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने जा रही थी। दुनिया के बड़े से बड़े लोग व लीडर्स इसमें शामिल होने जा रहे थे। इसराइल से मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन आबा इबान भी सेलिब्रेशन में शामिल होने जा रहे थे। इसराइल का यह मानना था कि समारोह 10 मई को होना था, तो जब पूरा अर्जेंटीना समारोह में शोरगुल में व्यस्त होगा तभी वे आइंकमैन को धर दबोचेंगे। और धर दबोचने के बाद जिस फ्लाइट से एजुकेशन मिनिस्टर आने वाले हैं उसका क्लियरेंस लेकर निकल भी लेंगे।
प्लान सिंपल था, कोऑर्डिनेशन की जरूरत थी, परंतु यह मोसाद था। जैसे सूरज को टॉर्च नहीं दिखा सकते, वैसे मोसाद को इम्पॉसिबल का टैग नहीं दिखा सकते। मई 10 को डीडे सेट हुआ और मई 1 को इजर हरेल अर्जेंटीना पहुंचे। बाकी के एजेंट्स और इजर हरेल अब सब अर्जेंटीना पहुंच चुके थे। इजर हरेल अपने टीम के साथ मीटिंग अलग अलग कैफेज में करते थे। धीरे धीरे मिशन के लिए सर्वेलेंस कार्स, एग्जिट होने के लिए प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स, टाइमिंग सब सेट ऑलमोस्ट हो चुके थे कि एक ट्विस्ट मोसाद की तरफ आ रहा था। हुआ था कुछ ऐसा कि अर्जेंटीना में हो रहे इंडिपेंडेंस फेस्टिवल में हद से ज्यादा क्राउड व गेस्ट हो रहे थे, जिन्हें अटेंड करना व मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। इस बात को ध्यान में रखते हुए इजराइल गेस्ट को 19 मई को इनवाइट किया गया। यह एक जोरदार झटका मोसाद चीफ इजर हरेल को मिला, वह इसीलिए क्योंकि अर्जेंटीना से एग्जिट होने के लिए एल अल फ्लाइट का उपयोग करना था, जो इजराइल के एजुकेशन मिनिस्टर के लिए अलॉट हुई थी। जब वही 19 तारीख को आने वाले थे तो इजर हरेल के पास दो ऑप्शन बचे। एक, या तो ऑपरेशन 19 तारीख को एग्जीक्यूट करें, या तो 10 तारीख को। परंतु 10 तारीख में एक तकलीफ थी कि आइंकमैन को 19 तारीख तक छिपा कर रखना पड़ेगा, जो एक बहुत बड़ा रिस्क था। हो सकता था कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करे और पकड़े जाने का खतरा भी था। दूसरी तरफ इजर 19 तारीख तक रुकने का रिस्क भी नहीं ले सकते थे। अंत में इजर हरेल ने तारीख 11 मई तय की। और सिर्फ इतना ही नहीं, आइंकमैन को कैसे किडनैप करना है वह तक तय हुआ। दरअसल होना था कुछ यूं कि आइंकमैन 7:40 के करीब बस से अपने घर के स्ट्रीट पहुंचता है। स्ट्रीट पूरी तरह से डार्क होती है, बस उसी का फायदा उठाकर आइंकमैन को दबोचा जाएगा। ज्यादा हलचल व शोरगुल स्ट्रीट पर ना हो, इसलिए आइंकमैन को ड्रग इंजेक्ट करने के लिए डॉक्टर योना एलेन थे। आइंकमैन को कार में बिठाकर सेफ हाउस तक ताबड़तोड़ पहुंचाना था। इजर हरेल के साफ साफ इंस्ट्रक्शंस थे कि अगर हम पकड़े भी जाए, फिर भी आइंकमैन को अपने पकड़ से जाने नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मोसा तैयार थी आइंकमैन को पकड़ने के लिए। यह पूरा खेल अब टाइमिंग्स पर था। जरा सा भी गड़बड़ या टाइमिंग्स में उलटफेर सब कुछ बर्बाद कर सकता था। आइंकमैन को इजराइल कैसे ले जाया जाए, यह चैलेंज तो था ही, पर उससे भी पहले यह चैलेंज था कि मोसाद के पकड़ में आइंकमैन कैसे और कितने मुश्किलों का सामना करके आएगा। कुछ दिन बीते तैयारियों में और देखते देखते डीडे आ ही गया, पर वह था 11 मई। सुबह से ही मोसाद टीम एक्शन में आ गई। ऑपरेशनल यूनिट अपने प्रिपरेशन पूरी कर चुकी थी और धीरे धीरे सारे मेंबर्स ने अपने ट्रेसेस मिटाकर अपार्टमेंट खाली किए। सभी एजेंट अलग अलग लुक्स में थे, कुछ फॉल्स मुस्टाच, कोई बियर्ड, फीमेल एजेंट मेकअप और विग के साथ अपने पूरे हुलिये को चेंज कर चुके थे। इन शॉर्ट, ये सारे एजेंट्स जिस लुक से अर्जेंटीना आए थे उससे बिल्कुल अलग तैयार होकर निकले थे अपने दुश्मन को पकड़ने। और दूसरी तरफ इजर हरेल अलग अलग कैफेज में जाकर अलग अलग एजेंट से मिल रहे थे। दोपहर 1 बजे कमांडर राफी एथेन अपनी टीम से मिलकर फाइनल इनपुट्स तैयार कर रहे थे। सारा अर्जेंटीना जश्न के माहौल में डूबा हुआ था। दोपहर 2:30 बजे एजेंट्स उन कार को अरेंज कर चुके थे जिसमें अडोल्फ आइंकमैन को किडनैप करना था। इसके बाद दोपहर 4:30 बजे एजेंट्स अपने प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स पेपर्स को तैयार करने लगे। इसके बाद शाम 6:30 बजे दो अलग अलग कार आइंकमैन के घर के स्ट्रीट पर तैनात हुए। दोनों गाड़ियों में 4-4 एजेंट्स थे। उसमें से जिस गाड़ी में आइंकमैन को किडनैप करना था उसमें राफी एथेन मौजूद थे, जिसे ड्राइव जीवी आरोनी करने वाले थे। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा और टेंस सिचुएशन का माहौल बना हुआ था। शाम 7:40 को एक बस पहुंची। सभी मेंबर्स तैयार थे आइंकमैन को दबोचने के लिए, बट टू एवरीवन सरप्राइज अडोल्फ उस बस से उतरा ही नहीं। 7:40 को रूटीन को अगर देखा जाए तो अडोल्फ को उसी बस से उतरना था, परंतु वैसा हुआ नहीं। मोसाद एजेंट्स ने धैर्य बरता और 10 मिनट बाद यानी 7:50 को दूसरी बस आई। इस बार अडोल्फ आइंकमैन बस से फिर नहीं उतरा। टेंशन के मारे मोसाद एजेंट्स की हालत टाइट होती जा रही थी। इजर हरेल के प्लान अनुसार अगर 8 बजे तक आइंकमैन पकड़ा न जाए तो मिशन अबॉर्ट कर देना था,
परंतु कमांडर राफे इथेन ने 8:30 बजे तक राह देखने के ऑर्डर दिए। शाम 8:10 पर भी एक और बस आई, परंतु इसमें भी आइंकमैन दिखा नहीं। लेकिन एकाएक एजेंट एवरॉम शेलोम, जो दूसरी कार में थे, उन्होंने राफी इथेन को इशारा किया। राफी इथेन ने पाया कि एक थका हुआ आदमी अंधेरे को चीरते आ रहा है, और वह और कोई नहीं पर अडोल्फ आइकमैन ही था। सारे एजेंट्स एक साथ अलर्ट मोड पर आ गए थे। जैसे बस निकली कि एकाएक सभी आइंकमैन पर चढ़ पड़े और घसीटते हुए कार में बिठा दिया। इससे पहले कोई इस बात पर रिएक्ट करता कि ताबड़तोड़ सारे एजेंट्स मेन रोड के थ्रू आइंकमैन को लेकर भाग खड़े हुए। ड्राइव करते करते गाड़ी को आउटस्कर्ट ले जाया गया। रात 9 बजे के करीब आइंकमैन और मोसाद एजेंट्स एक सेफ हाउस पहुंचे, जहां आइंकमैन को छिपाया जाना था। आइंकमैन के हाथ पैर बांध दिए गए। इजर हरल ने कड़क होकर पूछा कि तुम्हारे नाजी कार्ड का नंबर क्या है। तरा वो आइंकमैन पोपट की तरह बोल उठा, 45326। फिर कड़काई से इजर ने पूछा, तुम्हारा नाम? जवाब आया, रिकार्डो क्लेमेंट। अपने पूरे गुस्से से इजर ने फिर पूछा, तुम्हारा नाम? घबराए हुए नाजी क्रिमिनल ने कहा, अडोल्फ आइकमैन। एक सन्नाटे सा माहौल कमरे में पसर चुका था। सारे एजेंट्स को घिन आ रही थी अपने सबसे बड़े दुश्मन, सबसे इनह्यूमन दरिंदे को देखकर। आइकमैन को बिल्कुल आइसोलेटेड रूम में रखा गया। उसे ना तो ब्लेड दी गई शेविंग के लिए, ना ही कोई ऐसी चीज जो उसे सुसाइड करने में मदद कर सके। इजरेल हरेल ने पाया कि आइकमैन को गायब होने की खबर फैल सकती है। अगर पुलिस ढूंढते ढूंढते आइकमैन तक पहुंचती है तो उसे बचने के लिए एक सीक्रेट चैम्बर था उस सेफ हाउस में। इजरेल ने साफ साफ इंस्ट्रक्शन दिए थे कि पुलिस के आ जाने पर कुछ एजेंट चैम्बर में आइकमैन को दबोच रखेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, आइकमैन को इजरेल पहुंचा कर रहना है। खैर, पुलिस से जैसे तैसे बच बचा कर दिन आया 19 मई। आज के दिन इसराइल से ऑफिशियल्स अर्जेंटीना पहुंचे। फ्लाइट LL के क्रू पूरी तरह से अनजान थे इस बात से कि अगले दिन यानी 20 मई को उनके बीच कौन होने वाला था। अब तक सारे प्लान्स डॉट टू डॉट परफेक्ट रहे, परंतु अब जो होने वाला था वह ज्यादा रिस्की प्लान मोसाद एग्जीक्यूट करने वाली थी। दरअसल हुआ था कुछ यूं कि 20 मई के रात 9 बजे सेफ हाउस से सारे एजेंट्स आइकमैन को लेकर एयरपोर्ट के लिए निकल पड़े, इरेजिंग ऑल ट्रेल्स। आइकमैन को इस तरह तैयार किया गया कि शायद उसके बेटे भी उसे पहचान न पाते। आइकमैन को और कुछ एजेंट्स को LL फ्लाइट के क्रू मेंबर्स के ड्रेस में तैयार किया गया। आइकमैन को डॉक्टर ने ड्रग इंजेक्ट किया। ड्रग से वह बेहोश नहीं हुआ, इसे कुछ इस तरह से इंजेक्ट किया गया कि वो सहारा लेकर चल सकता था पर अपने सेंसेस में ना था। जीवी आरोनी कार चला रहे थे जिसमें आइकमैन को इंजेक्ट करके बिठाया गया था। दूसरी तरफ इजर हरेल ने सबसे आखिरी में एग्जिट होने का प्लान बनाया। वो चाहते थे कि पहले सारे एजेंट सेफली पहुंचे। रात 11 बजे एजेंट्स और आइकमैन एयरपोर्ट पहुंचे। इजर हरेल ने 3 अलग अलग कार्स की व्यवस्था की जो सारे एजेंट्स और LL के क्रू मेंबर्स को प्लेन तक पहुंचाएगा। एयरप्लेन के पास पहुंचते ही आइकमैन को 2 एजेंट्स ने सारा देकर एयरप्लेन पर बिठाया। आइकमैन के पास 2 यूनिफॉर्म वाले एजेंट्स को बिठाकर सोने की एक्टिंग करवाया, ताकि मान लो ऑफिसर्स डॉक्यूमेंट चेक करने आए तो बाकी के एजेंट्स यह कह सके कि नेक्स्ट शिफ्ट होने की वजह से वे अभी आराम कर रहे हैं। इमिग्रेशन और कस्टम चेक के बाद जब इजर ने पता लगा लिया कि कोई प्रॉब्लम नहीं, तो वे भी फटाफट फ्लाइट में बैठने के लिए पहुंच गए। आइकमैन अपने होश में ना था और सारे एजेंट चिंता में थे कि बस एक बार फ्लाइट टेक ऑफ कर ले। इतने टेंशन, मेहनत, तिकड़म के बाद फ्लाइट को क्लियरेंस मिल जाता है और फ्लाइट रवाना होती है इसराइल के लिए। मई 21 को इजर हरेल प्रधानमंत्री के पास पहुंचे। प्रधानमंत्री बेन गुरियन ने पूछा कि तुम कब आए। इजर हरेल ने जवाब देते हुए कहा, 2 घंटे पहले। बेन गुरियन ने तुरंत पूछा, वो कहाँ है? इजर ने जवाब दिया, आइकमैन इसराइल के धरती पर है, हमारे बीच। बेन गुरियन यह सुनकर कुछ ना बोल पाए, ना वो हंसे ना वो रोए, शायद वे ब्लैंक हो चुके थे। उस वक्त उनके मन में जो पीड़ा व सुकून का भाव जो उन्हें मिल रहा होगा,
वह शायद कोई बयान नहीं कर सकता। 21 मई शाम 4 बजे बेन गुरियन ने पब्लिकली अनाउंस किया कि अडोल्फ आइकमैन हमारे कब्जे में है, हम जल्द से जल्द उस पर मुकदमा शुरू करेंगे। यह न्यूज जो प्राइम मिनिस्टर ने दी उसने सारे इसराइल को शॉक में डाल दिया। शायद जिस घुटन पीड़ा दर्द को इजरायली अपने दिलों में दबा के बैठे थे उसे थोड़ा सा आराम मिला होगा। अडोल्फ आइकमैन के खिलाफ ट्रायल शुरू होता है जेरूसलम में 11 अप्रैल 1961 में। उस ट्रायल में सभी 110 होलोकॉस्ट सर्वाइवर्स को बुलाया गया। उन सभी 110 जूश ने उस दर्द को फिर से महसूस किया। अपने सगे प्रियजन परिवार वालों को मरते गिड़गिड़ाते तड़पते रोते बिछड़ते देखा था इन सभी ने। आइकमैन मुंह लटकाए बैठा था, उसमें उतनी ताकत नहीं थी कि वो उन पीड़ितों से नजरें मिला सके। होलोकॉस्ट सर्वाइवर्स के आंखों में वो बेबसी दुख गुस्सा शायद आंसू बनकर निकल रहे थे। ट्रायल को पब्लिकली रेडियो में प्रकाशित किया जा रहा था। 11 अप्रैल 1961 का वह दिन आज सभी जूश के लिए सुकून का दिन तो था ही, पर उस सुकून को पाने के लिए जो छटपटाहट उन्हें इतने सालों तक झेलना पड़ा उसका दर्द भी था। दिसंबर 15, 1961 अडोल्फ आइकमैन को फांसी की सजा सुनाई। अडोल्फ ने अपील किया परंतु सुप्रीम कोर्ट से उसे रिजेक्शन ही मिला। रिजेक्शन के बाद फाइनली 1 जून 1962 अडोल्फ आइकमैन को फांसी पर चढ़ाया गया। तो दोस्तों यह कहानी थी मोसाद की। मोसाद के इस कहानी से यह पता लगता है कि इजराइल अपने पीड़ा को दबाना जानती है पर भूलना नहीं। मोसाद ने जो किया शायद ऐसा भी दिन आए कि जिन भारतवासियों ने हादसों में अपनों को खोया उन साजिशकर्ता को पकड़कर भारतीय सरकार उस पर मलहम का काम करे। धन्य है मोसाद जिसे कोई दुश्मनी मोड़ना नहीं चाहता। इतने दुश्मनों से घिरने के बाद भी चैन की सांस इजरायली सो रहे हैं तो वो शायद इसीलिए कि कोई मोसाद एजेंट अभी भी एक्शन में होगा। शायद इस वक्त भी वे खतरे और चैलेंज से दो दो हाथ कर रहे होंगे। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में सत्य साहस एवं ज्ञान की शोध में। तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।